वैश्विक परिस्थितियों की वजह से बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है लेकिन साथियों आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी पिछले नवंबर महीने में, में कम की थी केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन छह महीनों में पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिलता गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी साढ़े तीन चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व और मिलता लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए अपने नागरिकों की को तकलीफ न इसलिए अपने वेट में टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन छह महीनों में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए से लेकर के पांच साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी सबको मैंने प्रार्थना की थी लेकिन कई राज्य मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं अब जैसे उस समय छह महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना कुछ राज्यों ने नहीं माना अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरला झारखंड किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को नागरिकों को, को बोझ कंटिन्यू रहा मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था छह महीने डीले हो चुका है अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वेट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42 परसेंट तो राज्यों के ही पास चला जाता है मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें अब मैं कई विषय हैं बारी में नहीं जा रहा हूं जैसे फर्टिलाइजर आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है कितना बड़ा संकट आया है लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य अपने पड़ोसी राज्य सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दे मैं एक और उदाहरण देता हूं अब नवंबर में जो करना था नहीं किया इसलिए पिछले छह महीने में क्या हुआ है आज चेन्नई में तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 सौ रुपया के पास है जयपुर में 118 से भी ज्यादा है हैदराबाद में 119 से ज्यादा है कोलकाता में 115 से ज्यादा है मुंबई में 120 से ज्यादा है और जिन्होंने कटौती की मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 सौ रुपया है मुंबई में 120, बगल में देवी दमन में 102 सौ रुपया अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, सौ में 105 है देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड एक सौ तीन रुपया है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप छह महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए यह मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज साथियों एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं जंगलों में महत्वपूर्ण इमारतों में अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी बहुत मुश्किल समय था वो अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें ऐसी घटनाओं से हम बच सकें ऐसी घटनाएं कम से कम हो हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो जान माल की हानि ना हो इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप अपनी टीम को विशेष रूप से इस काम पर लगाइए और बिल्कुल मॉनिटरिंग कीजिए ताकि देश में कहीं हादसा न हो हमारे निर्दोष नागरिकों को जान न गंवानी पड़े साथियों आप सभी ने समय निकाला इसके लिए मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध रहता हूं, कोई भी जरूरी सुझाव आपके होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं